जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आपकी दोस्त स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने फेवरेट चैनल द मिरेकल ऑफ प्रेयर्स में। चलिए दोस्तों, आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे आप अपनी ही जन्मतिथि से अपनी शादी का ईयर जान सकते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे और आप उस उपाय का लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे आप जान सकते हैं कि इस चल रहे वर्ष में आपकी शादी होगी या नहीं। इसके लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा पर्सनल ईयर। इसके लिए सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। डेट ऑफ बर्थ में तीन चीज़ें होती हैं, दिन, महीना और साल। माना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 9 सितंबर 1986 है। अब हम अपना पर्सनल ईयर जानने के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ में से ईयर को हटा देते हैं, ओनली डेट और मंथ को ही कैलकुलेट करते हैं। अपने बर्थ ईयर के स्थान पर हम इस करंट ईयर को ऐड करते हैं। जैसे कि इस समय 2022 चल रहा है तो हम 1986 की जगह पर 2022 ऐड करेंगे। तो पर्सनल ईयर के कैलकुलेशन में हम 9 सितंबर 2022 अर्थात 9/9/2022 का कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हमने एग्जांपल में डेट ऑफ बर्थ ली थी 9 सितंबर 1986, तो हम उसी का कैलकुलेशन आगे कर रहे हैं। अब हम सारी डेट ऐड कर लेते हैं। 9 + 9 + 2 + 0 + 2 + 2 = 24। अब 24 को भी ऐड करते हैं, 2 + 4 = 6। इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इस एग्जांपल का पर्सनल ईयर हुआ 6। दोस्तों याद रहे, अगर पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन 2, 3 या 6 आई है तो इस ईयर में आपकी शादी के चांसेस 100% हो जाते हैं, मतलब कि शादी होकर ही रहेगी। और अगर आपका पर्सनल ईयर 7, 8 या 9 आया है तो आपके शादी के चांसेस 80% हो जाते हैं, थोड़े कुछ कम हो जाते हैं। और यदि इन नंबरों के अलावा कोई और नंबर आए हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी शादी नहीं होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि अगर शादी हो गई आपके उस ईयर में जिसमें आपका पर्सनल ईयर नहीं आया है तो शादी चलना मुश्किल हो जाती है, मतलब कुछ ना कुछ परेशानियां आती रहती हैं। खासकर अगर आपका पर्सनल ईयर 5 आया है तो उस कंडीशन में शादी अच्छी नहीं साबित होती है। मुख्य तौर पर स्टार्टिंग के 2 से 2.5 साल अच्छे नहीं बीतते हैं, लड़ाई झगड़ा, खटपट, कुछ ना कुछ अनबन होती ही रहती है। अगर आपके पर्सनल ईयर वाले ईयर में आपकी शादी होती है तो आपकी शादी बहुत ही अच्छी साबित होती है, बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी आपकी बीतती है। चलिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए कि पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं और अपनी शादी का ईयर कैसे निकालते हैं। दोस्तों एक चीज़ गौर करने वाली है कि पर्सनल ईयर हर साल चेंज हो जाता है, क्योंकि हर साल एक साल बढ़ता जाता है तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन बढ़ती जाती है। जैसे कि अगर इस बार 2022 में आपका पर्सनल ईयर 6 आया है तो नेक्स्ट ईयर ये 7 हो जाएगा। और अपना पर्सनल ईयर निकाल के ही आप जान सकते हैं कि आपकी शादी किस वर्ष में, या फिर आप जिस वर्ष में भी देख रहे हैं, मतलब कि अगर आप 2022 में करना चाहते हैं तो आप 2022 को कैलकुलेशन में लिखेंगे अपने बर्थ ईयर के स्थान पर। अगर आप 2023 में पर्सनल ईयर निकालना चाहते हैं, मतलब कि अपनी शादी का ईयर ये जानना चाहते हैं कि 2023 में आपकी शादी होगी या नहीं होगी, तो आप 2023 को अपने डेट ऑफ बर्थ में ईयर के स्थान पर लिखेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अनुष्का शर्मा, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 1988 और उनकी मैरिज की डेट है 11 दिसंबर 2017,
तो अब इनका पर्सनल ईयर 2017 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा। एक इनकी डेट है, 5 इनका मंथ है और 2017 में इनकी शादी हुई थी, इसलिए ईयर में 2017 लिखेंगे। इन सब को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 16। 16 को अगेन ऐड करेंगे तो आएगा 7। अगर पर्सनल ईयर 7, 8, 9 आता है तो शादी के 80% चांस होते हैं, और इनकी शादी 2017 में हुई है और 2017 के अकॉर्डिंग इनका पर्सनल ईयर आया है 7, तो इट मीन्स इनकी शादी के 80% चांस थे और इनकी शादी हो गई। पर्सनल ईयर निकालने के लिए हम अपनी डेट ऑफ बर्थ में से ईयर को हटा देते हैं और करंट ईयर को ऐड करते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि इस साल हमारी शादी होगी या नहीं। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं दीपिका पादुकोण, जिनका की डेट ऑफ बर्थ 5 जैन 1986 है और इनकी मैरिज की डेट है 14th नवंबर 2018। अब हम इनका पर्सनल ईयर 2018 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे कि इनकी मैरिज की पॉसिबिलिटी 2018 में थी या नहीं। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 5 इनकी डेट है, जैन मतलब फर्स्ट मंथ है मतलब एक, और 2018 में इनकी शादी हुई थी, इसलिए इनके बर्थ ईयर के स्थान पर 2018 को ऐड करेंगे। मींस 5 + 1 + 2018 = 17, और 17 को अगेन ऐड करेंगे तो आएगा 8। 8 पर्सनल ईयर आने पर भी शादी के चांसेस 80% होते हैं, मतलब कि 2018 में इनके 8% चांसेस थे शादी में और इनकी शादी हो गई। तो दोस्तों, इस तरह पर्सनल ईयर कैलकुलेट करके आप जान सकते हैं इस वर्ष में या आने वाले किसी भी वर्ष में जिसमें आप शादी करना चाहते हैं, आपकी शादी की संभावनाएं हैं या नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी, और इसके द्वारा आप भी अपनी शादी का ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी यथासंभव हेल्प जरूर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर अवश्य करें तथा सब्सक्राइब भी करें तथा अपने जानने वाले हर एक इंसान के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। हाँ दोस्तों, पर एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि यह कैलकुलेशन हर वक्त हर किसी के साथ सही नहीं बैठती। 80% लोगों के साथ सही बैठती है, लेकिन हाँ, कुछ 20% लोग रह जाते हैं जिनकी कैलकुलेशन सही नहीं निकलती। इसलिए अगर आपकी कैलकुलेशन सही ना निकले तो मुझे माफ़ करिएगा, मैं नहीं कह रही कि ये 100% सही है, लेकिन हाँ, बहुत से लोगों पर ट्राई किया गया है कि तो यह सही निकली है, इसलिए मैंने आप सबके साथ शेयर किया इसे। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। जय श्री राधे, हर हर महादेव। ये वीडियो पूरा देखने के लिए तथा मुझे अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।